इस वीडियो में दोस्तों हम करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किसने दिया था, एरिस्टोटल अंकल ने दिया था। उन्होंने क्या किया था, टोटल ऑर्गेनिज्म को प्लांट्स में और एनिमल्स में डिवाइड कर दिया था। अब प्लांट्स क्या है, प्लांट्स भी तीन टाइप के, एक ट्री हो गए सबसे बड़े वाले, फिर उससे छोटे वाले श्रब हो गए और सबसे छोटे वाले हर्ब हो गए। और एनिमल्स को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, इनायमा यानी जिनके पास क्या है रेड ब्लड प्रेजेंट है, और अनायमा यानी जिनके पास रेड ब्लड जो है वो अब्सेंट है। अब क्लासिफिकेशंस की बात करें फर्दर, है ना, वो अर्लीस्ट था, उसके बाद मॉडिफिकेशंस हुई, जैसे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम, फोर किंगडम, फाइव किंगडम, सिक्स किंगडम। टू किंगडम दिया लिनियस ने, थ्री किंगडम हैकल ने, फोर किंगडम कोपलैंड ने, फाइव किंगडम विटेकर ने, और सिक्स किंगडम कार्ल वीज ने। अब आपको लिनियस हर हाल में याद होना चाहिए, आर एच विटेकर याद होना चाहिए, कार्ल वीज याद होना चाहिए, ये दो आप भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कौन सा किसमें आया था, देखो टू किंगडम वाले में देखो प्लांट और एनिमल तो सब में रहेंगे, प्लांट एनिमल, प्लांट एनिमल, प्लांट एनिमल, प्लांट एनिमल, प्लांट एनिमल, ये सब में रहेंगे। अब थ्री किंगडम में प्लांट एनिमल के अलावा प्रोटिस्टा नया आ गया था, फोर किंगडम में मोनेरा नया आ गया था, फाइव किंगडम में फंजाई नया आ गया था, और सिक्स किंगडम में क्या हुआ था, सिक्स किंगडम में क्या हुआ था, सिक्स किंगडम में जो ये अपने थे कौन से थे, मोनेरा जो थे, मोनेरा जो थे उसको दो में डिवाइड कर दिया था, एक यू बैक्टीरिया एक आर्की बैक्टीरिया में, बाकी ये क्या है प्रोटिस्टा और फंजाई अपने यू के यू है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स विद अर्ली क्लासिफिकेशन, मतलब जो अर्ली क्लासिफिकेशन थी जैसे कि टू किंगडम थ्री किंगडम, है ना, उसमें दिक्कतें क्या थी। दिक्कतें सिंपल सी थी, आपने सिर्फ दो चीजों में डिवाइड कर दिया कि हाँ भाई प्लांट होते हैं और एनिमल होते हैं, कि जिनके पास क्या बोला गया कि जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है वो अपने आ जाएंगे किसमें, प्लांट में, और जिसमें अब्सेंट है वो एनिमल्स में। अब इससे दिक्कतें क्या हो गई, दिक्कतें क्या हो गई, देखो बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल है, ठीक है, और जिम्नोस्पर्म के पास भी सेल वॉल है, और बैक्टीरिया और जिम्नो को हमने किसमें रख दिया, प्लांट में रख दिया, तो ये बहुत ही गड़बड़ वाली बात होगी ना। बैक्टीरिया तो बिल्कुल ये अलग है, वो कि क्या है एक प्रोकैरियोट है, जिम्नोस्पर्म एक यूकैरियोट है, ये गड़बड़ होगी, ठीक है। और क्या है, हमने देखो फंजाई में भी सेल वॉल होती है, प्लांट में भी सेल वॉल होती है, दोनों को हमने किसमें रख दिया, प्लांट में रख दिया, तो गड़बड़ वाली बात होगी। फंजाई हेटरोट्रोफ है यानी अपना खाना खुद नहीं बनाती है, और प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ये भी गड़बड़ होगी। और क्या गड़बड़ हो गई, देखो क्लैमिडोमोनास स्पायरोगायरा ये यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, इनको भी इकट्ठे कर दिया तो ये भी गड़बड़ हो गई। फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी है, प्लांट की सेलुलोज की बनी है, तो सेल वॉल का मटेरियल भी अलग है, इनको भी हमने इकट्ठे रख दिया तो ये भी गड़बड़ हो गई, है ना। तो इन सब गड़बड़ों को मिटाने के लिए ही आया था कौन सा, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि किसने दिया था, आर एच विटेकर ने दिया था। उनके क्राइटेरिया क्या क्या थे, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनिक रिलेशन। अब पांच किंगडम कौन से थे, देखो उन्होंने क्या किया था, ऑर्गेनिजम्स को दो टाइप में डिवाइड कर दिया था, एक हो गए प्रोकैरियोट्स, एक हो गए यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं, जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट पाई जाती है, और यूकैरियोट यानी जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट पाई जाती है। अब प्रोकैरियोट में आएंगे अपने पास मोनेरा, आएंगे यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमलिया। तो ये हो गए अपने पांच किंगडम, पहला किंगडम, दूसरा किंगडम, तीसरा, चौथा, और ये पांच किंगडम अपने टोटल हो चुके हैं। अब बात करें, देखो ये जो होते हैं अपने मोनेरा ये यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, और यहां पे ये फंजाई मल्टीसेलुलर है, उसमें टिश्यू की फॉर्मेशन बननी स्टार्ट हो गई थी, लूज टिश्यू था, यहां पे टिश्यू भी आ चुका है, ऑर्गन भी आ चुका है, और एनिमल्स में तो टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है, और ऑर्गन सिस्टम भी आ चुके हैं। अब यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा लूज टिश्यू किसमें होता है, फंजाई में। एक सुपर हिट क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं, आपसे पूछ लिया जाएगा यूनिसेलुलर यूकैरियोट कौन होते हैं, तो प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। अब बारी बारी से बात करने वाले हैं, सबसे पहले किंगडम मोनेरा के बात करने वाले हैं, बैक्टीरिया जिसमें आएंगे, एनसीईआरटी की लाइन है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ अ मोनेरा, और ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और इसमें क्या है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायवर्सिटी होती है। अब न्यूट्रिशन की बात करें तो बैक्टीरिया अपना खाना खुद भी बना सकते हैं, थोड़े बहुत ऐसे बैक्टीरिया होते हैं सम, यानी थोड़े बहुत ऐसे जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटरोट्रोफिक होते हैं, यानी अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। और शेप्स की बात करें तो बैक्टीरिया की शेप विब्रियो हो सकती है, कोमा शेप, कोकस स्फेरिकल हो जाएगी, बेसिलस रोड शेप्ड, स्पाइरलम स्पाइरल हो जाएगी। नेक्स्ट हम आर्की बैक्टीरिया की बात करें, देखो आर्की बैक्टीरिया और नॉर्मल बैक्टीरिया में फर्क कहां पे होता है, मेन फर्क होता है सेल वॉल में, इनकी सेल वॉल अलग होती है, और इसकी सेल वॉल की वजह से ये हार्श हैबिटेट में सर्वाइव कर पाते हैं। अब हार्श हैबिटेट कौन से होंगे, हेलोफाइल्स यहां पे, जहां पे एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन होगी, थर्मो एसिडोफिल्स यानी जहां पे बहुत गर्म कंडीशन होगी, मिथेनोजिन्स यहां पे मार्शी एरिया यानी मिथेन होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करने वाले हैं, तो यहां पे एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। देखो ब्लू ग्रीन एल्गी के बाहर जिलेटिनस शीत होती है, जिलेटिनस शीत होती है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ओपन फॉर्म ब्लूम इन वॉटर, ब्लूम क्या होता है, ब्लूम क्या होता है, अगर ब्लू ग्रीन एल्गी की एक्सेसिव ग्रोथ हो जाए तो उसको बोलेंगे, है ना, वो ब्लूम कर रहे हैं, ब्लूम यानी एक्सेसिव ग्रोथ। और क्या होता है, इनके अंदर है ना स्पेशलाइज्ड सेल होती है जिसको हेटरोसिस्ट बोलते हैं, और हेटरोसिस्ट का फंक्शन क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन उनका फंक्शन होता है। और क्या होता है, देखो इनके एग्जांपल क्या दिए हुए साइनोबैक्टीरिया के, नोस्टोक एनाबिना, ये इसके एग्जांपल है। और क्या यूनिसेलुलर होते हैं ना, किंगडम मोनेरा में है तो यूनिसेलुलर, है ना, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं।
ठीक है। और क्या है, जो इनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ना, क्लोरोफिल ए इनमें होता है, जो कि हायर प्लांट्स के है ना सिमिलर थोड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना क्या, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में दिया हुआ है। हमने बात की थी कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, तो इसके एग्जांपल क्या है, जो भी डीकंपोजर बैक्टीरिया है वो हेटरोट्रॉफ हो गए। ठीक है, जो भी कर्ड मेकिंग है जैसे कि लैब हो गया ना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक जिनसे बनती है वो हो गए, नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले हो गए, वो सारे हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज की बात की गई, कॉमन बैक्टीरियल डिजीज जो ह्यूमन हेल्थ डिजीज में भी अपने को पता लग जाता है, कोलेरा, टाइफाइड, टिटेनस, साइटस कैंकर, ये कॉमन बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट हम रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की बात करें, तो एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है कि मेनली बाई फीजन और क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर की फॉर्मेशन करते हैं। देखो स्पोर की फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन में ही होती है, और ये ट्रांसडक्शन का मेथड दिया हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना ही दिया हुआ है, इससे ज्यादा डिटेल में अपनी एनसीईआरटी में नहीं है। बाई अडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेंगे, एक फीजन वाला बन गया, एक स्पोर फॉर्मेशन वाला अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट माइकोप्लाज्मा के बारे में बात करने वाले हैं। पहली लाइन तो यही होगी, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल जो होती है वो अब्सेंट होती है। दूसरा इसका सुपरहिट क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, सबसे छोटी लिविंग सेल है, और क्या है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के बिना भी ये जिंदा रह सकता है। मैनी आर पैथोजेनिक, पैथोजेनिक यानी बहुत सारे माइकोप्लाज्मा बीमारी फैलाते हैं। नेक्स्ट हम प्रोटिस्टा की बात करने वाले हैं। प्रोटिस्टा के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये यूनिसेलुलर होते हैं और यूकेरियोट्स होते हैं। अब प्रोटिस्टा में अपने को पढ़ना क्या क्या है, क्राइसोफाइट्स पढ़ने हैं, डाइनोफ्लैजेलेट पढ़ने हैं, यूग्लिनोइड पढ़ने हैं, स्लाइम मोल्ड पढ़ने हैं, और अब प्रोटोजोन पढ़ने हैं। ठीक है, अब क्राइसोफाइट्स की बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, अपने डाई एटम्स आएंगे और गोल्डन एल्गी डेसिमिट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे मैंने ट्रिक भी आपको बताई गई है, देखो इसकी सेल वॉल की कंफ्यूजन होती है। अब ये है एटम, तो एटम वाले चैप्टर में केमिस्ट्री फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, तो एटम वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं है ना, शेल पढ़ते हैं, सब शेल पढ़ते हैं, तो शेल आधे अंचे। अब शेल से अपने को याद आएगा कि इसकी सेल वॉल कैसी होती है, इसकी सेल वॉल कैसी होती है, ये यहां पे लिखा हुआ है, ओवरलैपिंग शेल की फॉर्मेशन है ना, फॉर्म ओवरलैपिंग शेल विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स। और क्या क्वेश्चन यहां पे बनेंगे है ना, और यहां पे क्वेश्चन बनेंगे, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट प्लांक्टन, मतलब वाटर करंट यानी पानी के बहाव के थ्रू वो बह रहे हैं। और यहां पे जो सबसे सुपर हिट क्वेश्चन इसका बनता है वो ये बनता है कि इनकी सेल वॉल के अंदर क्या होती है, सिलिका होती है। अब इनकी जब डेथ होती जाएगी तो ये समुद्र के नीचे बैठते जाएंगे, तो सिलिका भी समुद्र के नीचे क्या है, जमा होती जाएगी, तो उसको डाई एटमेशियस अर्थ बोला जाता है, और सिलिका की वजह से ही इनका यूज होता है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, सिरप में। ठीक है, और इनको क्या है, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन बोला जाता है। इसकी भी ट्रिक है, देखो सी फोर क्या है क्राइसोफाइट्स और सी फोर क्या है, चीफ प्रोड्यूसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइनोफ्लैजिलेट की, नाम में ही आ रहा है डाई, मतलब नाम में ही आ रहा है डाई, मतलब दो फ्लैजिलेट, मतलब फ्लैजिला, मतलब इनमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और यहां पे एक सेल वॉल का क्वेश्चन बनेगा कि इनकी सेल वॉल में हैज अ स्टिफ सेलुलोज प्लेट, इसको कैसे ट्रिक से करें। देखो यहां पे आ रहा है, यहां पे अरे यार सेलेक्ट हो जा दूसरा रंग बेटा, रुक जाओ, हो गया, बन की बात। देखो यहां पे आ रहा है लेट्स यानी प्लेट्स, तो स्टिफ सेलुलोज प्लेट अपने को याद आ जाएगा। ठीक है, अब इनमें दो फ्लैजिला होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल होती है, एक ट्रांसवर्स होती है। और रेड टाइड क्या है, देखो इनका जो रंग है ना, डाइनोफ्लैजिलेट में पिगमेंट्स होते हैं है ना, ड्यू टू पिगमेंट, पिगमेंट की वजह से इनका कलर जो है वो येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड है ना, अलग अलग तरीके का हो सकता है। तो ये रेड वाले हैं, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है गोनियोलेक्स। अगर ये समुंदर में रैपिड मल्टीप्लीकेशन कर जाए तो जाहिर सी बात है क्या है, समुंदर लाल लाल दिखाई पड़ने लगेगा, तो उसी को रेड टाइड बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, टॉक्सिन रिलीज करते हैं। अब टॉक्सिन पानी में रिलीज होगा तो मरीन एनिमल्स जो है उनके लिए है ना खतरनाक है वो। ठीक है, नेक्स्ट हम यूग्लिनोइड्स की बात करने वाले हैं। तो यूग्लिनोइड्स में पहली बात तो फ्लैजिला वाली हो गई, फ्लैजिला वाली क्या है, इसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, एक छोटी एक लंबी। ठीक है, एग्जांपल इसका यूग्लिनोइड के नाम से ही हो जाएगा, यूग्लिना हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, इनमें फोटोसिंथेसिस का बड़ा अच्छा सिस्टम होता है। फोटोसिंथेसिस का अच्छा सिस्टम क्या है कि इनके पिगमेंट्स जो है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है वो हायर प्लांट्स के थोड़े सिमिलर होते हैं। और क्या है, जब सनलाइट यानी धूप जब प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, धूप जब अब्सेंट है तो ये हेटरोट्रॉफिक यानी किसी और से खाना अपना ले लेंगे। और क्या है, इंस्टीड ऑफ सेलवोल यानी सेलवोल की जगह पे इनमें क्या प्रेजेंट होती है, पेलिकल प्रेजेंट होती है। और क्या है, P4 पेलिकल, P4 प्रोटीन यानी प्रोटीन रिच लेयर है जो इनकी बॉडी को क्या बना देती है, फ्लेक्सिबल बना देती है। नेक्स्ट हम स्लाइम माउल्ड्स की बात करने वाले हैं। देखो स्लाइम माउल्ड में जो सुपर हिट क्वेश्चन वो यही है कि सूटेबल कंडीशन के अंदर ये प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन करते हैं और अनसूटेबल कंडीशन में ये स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं। याद कुछ भी नहीं करना है, देखो स्पोर की फॉर्मेशन एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है तो अनसूटेबल कंडीशन में ही होती है।
अब प्रोटेक्टिव है तो इसके बाहर क्या है, वॉल्स यानी है ना, वॉल भी प्रेजेंट होगी, दीवारें भी एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है ना, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, वही बात बोली गई है। डिस्पर्स बाई एयर करंट यानी है ना, हवा जिधर बहेगी उधर ये उड़ जाएगा। नेक्स्ट हम प्रोटोजोन की बात करने वाले हैं। प्रोटोजोन हेटरोट्रॉफिक होते हैं यानी अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, इसीलिए इनको प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स बोला जाता है। एनिमल्स भी अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं ना, ये भी अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। इसमें क्या कहेंगे, अमीबॉइड आएगा, फ्लैजिलेटेड सिलिएटेड स्पोरोजोन। अमीबॉइड में अब देखो प्रीडेटर भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। प्रीडेटर का एग्जांपल है अमीबा, पैरासिटिक का है एंट अमीबा, और इनकी है ना इनके सरफेस पे सिलिका की शेल भी होती है। फ्लैजिलेटेड में क्या है, नाम से ही पता लग रहा है, फ्लैजिलेटेड यानी फ्लैजिला होगी, नाम से ही पता लग रहा है, सिलिएटेड यानी सिलिया होगी। एग्जांपल है ट्रिपैनोसोमा, और इसका एग्जांपल क्या है, पैरामीशियम। इसका ट्रिपैनोसोमा, इसका पैरामीशियम, और ट्रिपैनोसोमा की वजह से बीमारी कौन सी होती है, स्लिपिंग सिकनेस। और इनमें क्या है, एक गलेट होती है इनमें है ना, कैविटी है जो है ना, गलेट है वो एक कैविटी है, वो सिलिएटेड में प्रेजेंट होती है, बात खत्म है, यही एनसीईआरटी में लिखा गया है। स्पोरोजोन प्लाज्मोडियम ये मलेरिया में अपना आता है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। फंजाई की बात करने वाले हैं, तो फंजाई देखो फिलामेंटस होती है एक्सेप्ट यीस्ट, यीस्ट यूनिसेलुलर फंजाई होते हैं। देखो फंजाई को होना चाहिए मल्टीसेलुलर, बट यीस्ट ऐसी है जो यूनिसेलुलर होती है, इसलिए फिलामेंटस तो हो ही नहीं सकती यूनिसेलुलर, तो ना फिलामेंटस होती है, ठीक है। और फंजाई की बॉडी है वो किससे बनी होती है ना, एक धागे से बनी होती है, जिसको हाइफी बोलते हैं, और हाइफी के नेटवर्क को ही हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। अब ये माइसीलियम जो है ये सिनोसिटिक भी हो सकता है, सिनोसिटिक मतलब कोई डिवीजन ही नहीं है, वहीं पे सारे न्यूक्लियस, देखो सारे न्यूक्लियस ऐसे खुले में मैदान में तैर रहे हैं। और सेप्टेट यानी है ना ब्रांचिंग आ गई ना, ब्रांच हो गया, ये कैसा हो गया, ये कैसा हो गया, अनब्रांच हो गया, ये ब्रांच वाला हो गया ना, ब्रांच वाला, एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस और ब्रांच हो गया, ठीक है। अब अपने को देखो ये कॉमन से टर्म है, प्लाज्मोगैमी यानी प्रोटोप्लास्ट का क्या हो गया, फ्यूजन हो गया, उसको प्लाज्मोगैमी बोलेंगे। करियो यानी न्यूक्लियस हो गया, गैमी मतलब फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस। डाय, डाय मतलब क्या होता है, दो होता है, करियोन मतलब न्यूक्लियस, मतलब ऐसी सेल जिसमें दो न्यूक्लियस पाए जाए। डायकरियोन फेज मतलब है ना क्या है, फेज ऑफ डायकरियोन, एक बार इसको खिचड़ी को साफ करते हैं। देखो डाय मतलब क्या होता है, दो, करियोन मतलब न्यूक्लियस, मतलब ऐसी सेल जिसमें एक टाइम पे दो न्यूक्लियस पाए जाएंगे, और ये फेज है, ये डायकरियोन वाला फेज जहां पाया जाएगा उसको डायकरियो फेज बोलते हैं, ठीक है। अब एक याद रखना, अब डायकरियोन फेज कहां पे दिखाई देता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एस्कोमाइसिटीज में एंड बेसिड्यूमाइसिटीज में। अब अपने को फंजाई यहां पे चार टाइप की पढ़नी है, एक फाइकोमाइसिटीज पढ़नी है, एक एस्कोमाइसिटीज पढ़नी है, एक बेसिड्यूमाइसिटीज, एक ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब सबसे पहला क्वेश्चन माइसीलियम का आएगा कि किसमें सिनोसिटिक है, ब्रांच है, किसमें कैसा है, तो खाली खाली फाइकोमाइसिटीज में एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक है, एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक, कैसा, ये वाला एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक, बाकी सारी फंजाई में सेप्टेट या फिर ब्रांच आप बोल सकते हो, सेप्टेट या ब्रांच में सेम हो जाएगा, ठीक है। अब फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल आपको याद रखने हैं, म्यूकर राइजोपस और क्या है, एल्ब्यूगो राइजोपस, क्या है, ब्रेड माउल्ड होता है, एल्ब्यूगो पैरासिटिक और मस्टर्ड। देखो जो एग्जांपल के क्वेश्चन है वो यहीं से बनेंगे, ब्रेड माउल्ड कौन सी थी, पैरासिटिक और मस्टर्ड कौन सी थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम एस्कोमाइसिटीज की बात करने वाले हैं। एस्कोमाइसिटीज में देखो यहां पे यीस्ट की जिक्र किया गया है, और हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि यीस्ट कैसी है, यूनिसेलुलर फंजाई होती है, और इसके ये वाले एग्जांपल हैं, ठीक है, एस्परगिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मोरल्स एंड बफल। न्यूरोस्पोरा का क्या है, जेनेटिक वर्क में इसका यूज होता है, और एडिबल खाने वाली कौन सी है, मोरल्स एंड बफल्स है। ड्यूटेरोमाइसिटीज को, अब ड्यूटेरो से पहले हम बेसिडियो की बात करेंगे यार, बेसिडियो की है ना वो लास्ट में, ये एनसीईआरटी में तो लास्ट में ही करेंगे। तो बेसिडियो को ब्रैकेट फंजाई भी बोला जाता है, बी फॉर बेसिडियो, बी फॉर ब्रैकेट फंजाई, पफोस, ठीक है। अब यहां एक मजे की बात है, देखो ड्यूटेरो में जो है ना वो ओनली एसेक्सुअल फेज होता है, और बेसिडियो में ओनली क्या होता है, ओनली सेक्सुअल फेज होता है, ठीक है। मेरा थोड़ा ध्यान रखना इस बात का, ट्रिक है, एक तरीके से ट्रिक ही मान लो, इसमें क्या है, सेक्सुअल नहीं पाया जाएगा, इसमें एसेक्सुअल नहीं पाया जाएगा, ठीक है, ये बात अपने को ध्यान हो गई। और इसमें सेक्सुअल ही नहीं पाया जा रहा, इसीलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं है उसमें, एसेक्सुअल सिर्फ अब पाया जा रहा है, ठीक है। और ड्यूटेरो के एग्जांपल कलेक्टोट्राइकम अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा। बेसिडियो में मैंने बोला एसेक्सुअल स्पोर जनरली अब्सेंट है ना, ये एसेक्सुअल अब्सेंट, और सेक्स ऑर्गन अब्सेंट है, बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। एग्जांपल क्या है, एगेरिकस एस्टिलागो पक्सिनिया, एगेरिकस मशरूम, एस्टिलागो स्मट है ना, स्मट फंजाई, और पक्सिनिया कौन सी है, रस्ट वाली हो गई। अब स्पोर्स की कंफ्यूजन, जितने भी अपने स्पोर्स हैं उनकी ये कंफ्यूजन है, इसको देखने से बजाय यहां ना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आप सिंपल यूट्यूब पे लिखना फंजाई स्पोर्स, फंजाई स्पोर ट्रिक, खाली ये लिख देना फंजाई स्पोर ट्रिक, बाई केवी एजुकेशन लिख देना, खाली ये लिख देना फंजाई स्पोर ट्रिक, गारंटी दे रहा हूं 1.5 मिनट में ये फंजाई के जितने भी स्पोर हैं सारी कंफ्यूजन आपके माइंड में अब फिट हो जाएगी, है ना। ये भी वहीं पे कराया मैंने, एक्सोजिनस एंडोजिनस सारे स्पोर्स आपके माइंड में फिट हो जाएंगे, एक ही ट्रिक से मैंने कराए हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है वायरस। देखो वायरस तो आपको पता ही है कि है ना, अपने होस्ट से बाहर है तो डेड है, और होस्ट के अंदर आ गया तो वो लिविंग हो जाएगा, ठीक है। अब वायरस के अंदर दो चीजें होती है, एक न्यूक्लिक एसिड होता है, एक प्रोटीन होता है। न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए
आरएनए या फिर डीएनए हो सकता है। और न्यूक्लिक एसिड का यूज वायरस किस लिए करता है? इन्फेक्शन के लिए। अब न्यूक्लिक एसिड का यूज इन्फेक्शन के लिए कर रहा है तो न्यूक्लिक एसिड उसके लिए बहुत जरूरी है, तो इसको प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वायरस के पास होता है प्रोटीन। अब प्रोटीन का ना कोट को क्या बोलते हैं, वायरस में प्रोटीन के कोट को हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। और कैप्सिड किससे मिलकर बना होता है, बहुत सारे कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। एनसीईआरटी की मैं लाइन बाय लाइन आपके सामने कॉपी कर रहा हूं। अब ये कैप्सोमियर की अरेंजमेंट दो तरीके से हो सकती है, हेलिकल भी हो सकती है, तो वर्को मोजेक वायरस में एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है, पॉलीहेड्रल भी हो सकती है जैसे कि बैक्टीरियोफेज में। अब ये आ गए अपने क्या है, साइंटिस्ट रिलेटेड वायरस, जैसे कि नेमिंग ऑफ वायरस किसने दी थी, दिमित्री इवानोस्की, है ना। पुरानी एनसीईआरटी में देखोगे तो पास्चर भी मिलेगा, पर आपको ये है ना नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिमित्री इवानोस्की। और क्या है, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, ये किसने बोला था, कंटेजियम का मतलब इन्फेक्शियस, वाइवम मतलब लिविंग फ्लूइड, मतलब फ्लूइड, मतलब ये टर्म वायरस के लिए किसने इस्तेमाल की, एमडब्ल्यू विचरेंकी ने, है ना। वायरस के क्रिस्टल किसने बनाए थे, डब्ल्यू एम स्टेनले ने बनाए थे। इसकी थोड़ी सी ट्रिक भी बता देता हूं आपको अगर भूल जाए। देखो स्काई मतलब क्या होता है, आसमान, तो आसमान पे लिख देना है, नाम लिख देना है ना, किसी चाहने वाले का नाम नहीं, वायरस का नाम लिख देना है आसमान पे, अब बात खत्म है। और देखो इसमें आ रहा है एस टी ए, एक बार इसको जूम करते हैं, एस टी ए, और क्रिस्टल में भी आ रहा है एस टी ए, तो यहां से ये मैच हो जाएगा थोड़ा, ये ऑटोमेटिक आपका इधर से थोड़ा बना लेना, ठीक है। अब देखो ऐसे वायरस, प्लांट वायरस, यानी ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, वो जनरली कैसे होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले होते हैं। और जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर सिंगल स्टैंडर्ड या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए वाले हो सकते हैं। और बैक्टीरियोफेज जो होते हैं, बैक्टीरियोफेज यानी ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाले होते हैं। अब देखो वायरस के रिलेटेड ही तीन कंफ्यूजन अपने पास आती है। देखो एक तो वायरस ही हो गया अपना, और क्या है, एक वायरोइड्स, एक प्रायोट्स। अब यहां मजे की बात क्या है, मजे की बात क्या है, वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए या डीएनए और प्रोटीन भी होता है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन दोनों चीजें प्रेजेंट है। अब इनमें एक एक होती है, अब एक एक कैसे होती है, देखो P4 प्रायोन्स, P4 प्रोटीन, मतलब इसमें ओनली प्रोटीन होता है और इसमें ओनली न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। अब इनसे होने वाली कुछ बीमारियां भी दी हुई है, कुछ साइंटिस्ट भी दी हुए, जैसे वायरोइड्स की बात करें तो वायरोइड्स क्या क्या है, ओनली न्यूक्लिक एसिड होता है, ये बात ऑलरेडी हम यहां पे कर चुके हैं। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, टी ओ डाइनर ने की थी। और डिजीज कौन सी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज ये कॉज करता है, ठीक है। और लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए, मतलब देखो इसमें ओनली न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड में भी क्या है अपने पास, डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए, बट यहां पे आपको याद रखना है इसमें सिर्फ आरएनए ही होता है, तो इसमें आरएनए है, ठीक है। और प्रायोन्स की डिजीज की बात करें तो प्रायोन्स की कौन सी डिजीज है, एक कैटल की डिजीज है, एक ह्यूमन की डिजीज है। अब चाहे कैटल की डिजीज है चाहे ह्यूमन की डिजीज है, जिस भी प्रायोन की वजह से होती है ना, वो दोनों आपस में एनालोगस वेरियंट है। तो कैटल की डिजीज कौन सी है, बोवाइन स्पंजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, और ह्यूमन वाली कौन सी है, सीआर जैकब डिजीज, ठीक है। लास्ट टॉपिक है अपना इस चैप्टर का, क्या है, लाइकन है। लाइकन क्या होता है आपको पता ही है, लाइकन गठबंधन है किसके बीच का, एल्गी के बीच का और फंजाई के बीच का। अब एल्गी अपना खाना खुद बनाएगी, फंजाई क्या है, हेटरोट्रोफिक होती है, अपना खाना खुद नहीं बनाएगी, तो जाहिर सी बात है ये खाना बनाएगी तो ये फंजाई को गिफ्ट में क्या देगी, फूड देगी, और फूड ये फंजाई भी तो कुछ देगी एल्गी को, गठबंधन है ना, दोनों का फायदा होना चाहिए, शेल्टर देगी, मिनरल्स देगी, वाटर देगी। और क्या है, लाइकन पोल्यूशन इंडिकेटर होता है, मतलब जिस एरिया में क्या है पोल्यूशन बहुत कम पाया जाएगा वहां पे लाइकन अच्छी खासी पाई जाएगी, पोल्यूशन ज्यादा होगा तो लाइकन जो है वो नहीं पाई जाएगी, ठीक है। तो ये चैप्टर भी हमने अपना निपटा दिया है। इमोजी थोड़े ढंग की बनाता हूं, लीजिए, ठीक है, थैंक यू।